नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। दुनिया में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, महज 100 घंटे में 10 लाख केस। कश्मीर में 24 घंटे के अंदर आतंक पर दूसरा एक्शन, एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। माँ बेटी ने सीएम ऑफिस के बाहर किया आत्मदाह, अखिलेश ने योगी को घेरा। बकरीद पर घर पर पढ़े नमाज, कुर्बानी पर महाराष्ट्र सरकार ने की ये अपील। ऐश्वर्या आराध्या अस्पताल में एडमिट, 5 दिन पहले हुआ था कोरोना। मानेसर के होटल में नहीं मिले भंवर लाल, खाली हाथ लौटी राजस्थान SOG। हरिद्वार के बॉर्डर 20 जुलाई तक बंद, सोमवती अमावस्या के स्नान पर भी रोक। महाराष्ट्र में 40 वर्षीय कोरोना मरीज के साथ क्वारंटीन सेंटर में कथित तौर पर रेप, मामला दर्ज। तेजस्वी ने साधा नीतीश पर निशाना, बोले कि सीएम 12 करोड़ बिहारियों के जीवन से कर रहे हैं खिलवाड़। राजस्थान में विधायक खरीद फरोख्त ऑडियो टेप मामले में ACB में FIR दर्ज। कर्नाटक में BJP MP शोभा करंडलजे ने किए चामुंडेश्वरी मंदिर में दर्शन, कलेक्टर बोले होगी जांच। असम के हैलाकांडी में 4.0 तीव्रता के भूकंप के झटके लगे। अमेरिका ने कहा कि हांगकांग में स्वतंत्रता को चल रही चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक बार फिर कश्मीर राग अलापा। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 145 नए मरीज सामने आए। हिना खान ने प्रियंका चोपड़ा को बर्थडे विश किया और बताया इंस्पिरेशन। सुशांत सिंह राजपूत के साइक्रिस्टिक का बयान दर्ज, 9 घंटे तक चली पूछताछ। BCCI के साथ विवाद में DCHL के पक्ष में फैसला, 4800 करोड़ देने का निर्देश। BCCI एपेक्स काउंसिल मीटिंग, UAE में हो सकता है 5 से 6 हफ्ते का IPL। UP के शाहजहांपुर में बंदरों के झुंड ने गिराई दीवार, दबकर 5 लोगों की दर्दनाक मौत। शिव नाडर ने HCL के चेयरमैन का पद छोड़ा, बेटी को मिली कमान। GST रिफंड में हो रहा फर्जी 1875 करोड़ का फेक क्लेम का खुलासा। विजय माल्या का नया दाव, बैंकों को 13,960 करोड़ देने का किया वादा। आखिरी कारोबारी दिन बाजार में बढ़ी बढ़त, सेंसेक्स 37,000 अंक के पार बंद। एनी बुलियन कंपनी बनाकर 600 करोड़ की ठगी करने वाला जालसाज गिरफ्तार।